Hello student, welcome to online class. Today I am going to teach you civics of class 8 and 9. Our topic is parliament. What is parliament? I have teach before. Parliament is president, Lok Sabha and Raj Sabha is called parliament. So president and Lok Sabha already I have teach. Today I will teach only Raj Sabha and function of parliament. First of all, Raj Sabha. Raj Sabha member is called as Council of State. Council of State. Raj Sabha members को Council of State भी कहा जाता है या Raj Sabha members भी कह सकते हैं. There are 250 members in Raj Sabha. 250 members and 250 members. 238 members elected by a state and union territories and 20 members nominated by president. 12 व्यक्तियों को नॉमिनेट किया जाता है, मनोनीत किया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा. प्रेजेंट है 245 members elected. So 223 members elected by a state and union territories. So, Indian territories में दिल्ली एंड पांडिचेरी को शामिल किया गया है एंड 12 मेंबर नॉमिनेट बाय प्रेसिडेंट. ये 12 मेंबर्स में जो होते हैं वो साइंस, आर्ट, लिटरेचर, सोशल वर्कर और एक अभी प्रेजेंट टाइम में स्पोर्ट में सचिन तेंदुलकर को भी शामिल किया गया है. टिम्बर्स मीन्स परमानेंट हाउस. परमानेंट हाउस कहा जाता है राजसभा को, इसे अपर हाउस भी कहते हैं. राज्यसभा 1/3 मेंबर्स रिटर्न एवरी 2 इयर्स. राज्यसभा का जो मेंबर्स होते हैं 1/3 मेंबर्स जो होते हैं वो 2 इयर्स में रिटायर होते हैं एंड राज्यसभा मेंबर्स के 6 ईयर का इनका कार्यकाल होता है. प्रेजेंट टाइम में जो इलेक्शन का प्रोसेस है एक एग्जांपल के माध्यम से बताना जा रहा हूँ. एक स्टेट के बारे में सपोज बिहार विधानसभा का इलेक्शन. बिहार विधानसभा में 243 मेंबर्स हैं तो 243 मेंबर्स में 2020 में सपोज 5 राज्यसभा सीट का इलेक्शन करवाना है तो 5 मेंबर्स में करना क्या है 243 मेंबर्स को 5 जो सीट है प्लस 1 ऐड करना है एंड 243 डिवाइडेड 6 तो इसमें से डिवाइड करने के बाद 48 मींस होगा 2020 में 5 राज्यसभा मेंबर्स का इलेक्शन के लिए 1 सीट के लिए 14 एमएलए की आवश्यकता है यानी 1 सीट के लिए 40 एमएलए वोट करेंगे. सपोज बिहार का टोटल राज्यसभा सीट 16 है एंड 16 को हम लोग पूरे का चुनाव करवाना पड़ेगा तो ऑल ओवर में 243 बाय 16 को डिवाइड करने में 15 आता है तो पूरे राज्यसभा सीट के लिए सपोज इलेक्शन करवा दें तो उसमें से 15 एमएलए की आवश्यकता. तो इस तरह से इलेक्शन का प्रोसेस है. सपोज जो इलेक्शन का एक जो टर्म है उसमें से हम लोग कर सकते हैं कि 1 सीट के लिए सपोज 5 मेंबर्स पार्टिसिपेट हुए ए बी सी डी ई. सपोज ए को 30 वोट्स आए, बी 20 वोट्स आए, सी 10 वोट्स आए, डी 10 वोट्स आए और ई 20 वोट्स आए. तो सपोज जो सबसे कम होता है वो हट जाते हैं तो सी और डी फर्स्ट राउंड में समाप्त हो गया. अब उसमें से ए बी और ई पार्टिसिपेट किए तो ए बी ई ने सेकेंड राउंड में 30 प्लस 10 20 प्लस 15 बी एंड ई 20 प्लस 10 टू 30 तो इसमें से 40 जो लाइन वो ए ग्रुप में. तो इलेक्शन के प्रोसेस में 1 सीट में एक विजयी हो जाए जीत जाए. इस तरह से लोकसभा का इलेक्शन का प्रोसेस है. नेक्स्ट टॉपिक जो मेन है वो पावर ऑफ द पार्लियामेंट. संसद की कार्य क्या है. तो फर्स्ट में लेजिस्लेटिव पावर आते हैं जिसको हिंदी में बोलते हैं विधायक की शक्तियां. ये सबसे इंपॉर्टेंट है और इसी में यूनियन लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट एंड स्टेट लिस्ट. सेंट्रल गवर्नमेंट यूनियन एंड कॉन्करेंट लिस्ट में लॉ बनाते हैं लेजिस्लेटिव पावर में एंड स्टेट लिस्ट में स्टेट गवर्नमेंट का पावर है. तो एक डिवीजन ऑफ पावर जिसमें हम लोग
रिलेशन बिटवीन सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट, उसमें से सब्जेक्ट को डिवाइड किया गया है। पश्चिम टाइम में इंडियन लिस्ट और कॉन्क्रीट लिस्ट में सेंट्रल गवर्नमेंट लोग बताते हैं आने पार्लियामेंट, बट जब प्रेसिडेंसी रूल अभी किसी स्टेट में है तो वैसे सिचुएशन में भी कहा जाता है कि स्टेट लिस्ट में लॉ बनाने का राइट्स पार्लियामेंट का। तो फर्स्ट लेजिस्लेटिव पावर है इस तरह से। सेकेंड फाइनेंशियल पावर, फाइनेंशियल पावर मीन्स होता है वित्तीय शक्तियाँ। तो वित्तीय शक्तियाँ मीन्स संसद को पार्लियामेंट को रेवेन्यू कैसे आते हैं। तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ बिल होते हैं, एक ऑर्डिनरी बिल जिसको साधारण सभा साधारण बिल बोलते हैं, और एक आता है मनी बिल जिसको मनी बिल वित्त बिल भी कहा जाता है, वित्त विधेयक। और इसे डिसाइड करने का राइट्स ओनली लोकसभा को है, सिर्फ राज्यसभा में ये बिल को भेजा जाता है। किसी भी बिल को मनी बिल कहने करने का राइट्स ओनली राज्यसभा का है। तो इस तरह से फाइनेंशियल पावर। थर्ड कॉन्स्टिट्यूशनल पावर मीन्स होता है जो संवैधानिक शक्तियाँ हैं, संवैधानिक उसमें टू थर्ड मेजोरिटी या कहा जाता है कि ऑर्डिनरी बिल के द्वारा। तो एक दो तरह से हमारे कंट्री में संसद में पार्लियामेंट में काम बनते हैं, एक सिंपल मेजोरिटी से और एक आपको मेजोरिटी जो होती है वो मस्ट कहा जाता है, टू थर्ड मेजोरिटी संसद को चाहिए। इस तरह से पार्लियामेंट किसी भी सब्जेक्ट पर बिल से एक्ट जो बनते हैं वो प्रोसेस के लिए कहा जाता है कि यहाँ पर से कोई भी बिल जब फर्स्ट टाइम पार्लियामेंट में रखा जाता है उसे फर्स्ट रीडिंग कहा जाता है, और जब फर्स्ट रीडिंग से पास होते हैं तो सेकेंड रीडिंग में जाते हैं, एंड सेकेंड रीडिंग में जाने के बाद में वो प्रेसिडेंट के पास आते हैं। और प्रेसिडेंट का एक राइट्स है कि वो बिल को रिटर्न भी कर सकते हैं, वीटो पावर भी यूज कर सकते हैं। अभी तक प्रेजेंट टाइम में वीटो पावर ओनली वन प्रेसिडेंट यूज किए हैं, ज्ञानी जैल सिंह एपीजे ना वीटो पावर का जो यूज किए थे। इस तरह से कहा जाता है कि फर्स्ट रीडिंग एंड सेकेंड बिल टू से टू अदर हाउस, सपोज लोकसभा में अगर बिल को पास किया गया तो राज्यसभा में सेंड किए जाएंगे, और सपोज एक फर्स्ट एंड सेकेंड और प्रेसिडेंट के पास है राज्यसभा से तो लोकसभा में, और थर्ड रीडिंग में कहा जाता है कि वो बिल को एक तरह से प्रॉपर माना जाता है, पारित माना जाता है, और जब प्रेसिडेंट इस तरह सिग्नेचर करते हैं कि यही बिल एक्ट में कन्वर्ट हो जाता है। सो इस तरह से कहा जाता है कि कॉन्स्टिट्यूशनल पावर में मेरे हैं। फोर्थ जो नेक्स्ट है उसमें जुडिशियल पावर, जुडिशियल पावर में पार्लियामेंट में सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को इस्टेब्लिश करने का राइट्स भी हैं, उसमें जजेज को अपॉइंटमेंट करने का भी राइट्स कहा जाता है कि पार्लियामेंट को है। इस तरह से कहा जाता है कि पावर एंड फंक्शन में पार्लियामेंट का जो मेन पावर है लेजिस्लेटिव, फाइनेंशियल पावर, कॉन्स्टिट्यूशनल पावर एंड जुडिशियल पावर, इस तरह से। थैंक यू।